बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम अलैकुम। ओके, आई हैव टू से, ये बच्चा जो रो रहा है, आपने इतना जोर का बोला, थोड़ा आहिस्ता बोले। इस बच्चे की शॉट इतनी खूबसूरत है, प्लीज कैमरामैन इस पे फोकस करें और माइक दें इसकी अम्मा को। मैंने नाम पूछना है, बहुत प्यारा क्लैप, हल्की हल्की वाली, हल्की, थोड़ी और तेज, बस बस इससे ज्यादा नहीं होनी चाहिए। आज खुशियां जो हैं अपने अरूज पे, क्योंकि आपको मालूम है आज 2016 का इख्तिताम होने वाला है और हम एक नए साल में इंशाल्लाह कल से दाखिल होने वाले हैं। बहुत सारी प्लानिंग इंसान की जिंदगी में होती है, बहुत सारे डिसीजंस इंसान ले रहा होता है, निजी लेवल के ऊपर, पर्सनल लेवल के ऊपर, प्रोफेशनल लेवल के ऊपर, प्रैक्टिकल लेवल के ऊपर, लेकिन होना वही होता है जो मेरे रब का फैसला होता है। और जो मेरा रब है वो हमसे बेहतर जानता है कि हमारे लिए क्या फैसला सही है, क्या गलत है। लेकिन एक एक्साइटमेंट ये भी मुझे है कि यार कोशिश हमने ये करनी है कि अब कल से जो नया साल आगाज होगा 2017 का, 2017 का, पॉजिटिव सोच के साथ। आपको मैं बड़ा ऑनेस्टली एक बात बताऊं, आप पॉजिटिव सोचें। मैं एक किताब पढ़ी थी, माइंड वेव्स, उसके अंदर एक पूरा लेक्चर दिया हुआ था उन्होंने, प्रोफेसर ने लिखा हुआ था कि अगर आप पॉजिटिव सोचना शुरू कर दें तो जिंदगी में हर चीज इर्द-गिर्द आपके मुताबिक होना शुरू हो जाती है। आपने अक्सर ये देखा होगा, आई एम श्योर ये जितने स्टूडेंट्स हैं, आप अक्सर नहीं अलार्म लगाते, लेकिन अगर आप अपने जहन को बता दें, मेंटली तौर पर सोने से पहले प्रिपेयर होकर कह दें यार मैंने सुबह 5 बजे उठना है, लेकिन आपकी वैसे रूटीन होगी शायद सुबह 10 बजे 11 बजे उठने की और आप अलार्म ना लगाएं, तो मैं आपको बड़े वसूक और दावे के साथ कह सकती हूं आज आप ये बेशक ट्राई कीजिएगा। कल वीकेंड है, इस वजह से आप ये रिस्क ले सकते हैं कि आपका जहन बिठा देगा ये बात कि यार इसने उठना है सुबह 5 बजे, अलार्म की जरूरत नहीं, ठक करके आपका जो दिमाग है वो आपको सुबह 5 बजे उठा देगा। तो जिंदगी में पॉजिटिव रहना बहुत जरूरी है, पॉजिटिव सोच के साथ जिंदगी को एंजॉय करें, हंसते खेलते रहे, हंस के दिखाए ऑडियंस पहले मुझे, मजे का नहीं, अच्छा कहका मार के जोर का दिखाओ मुझे, कहका मारे जी जोर का, ये हुई ना बात, क्या पे हो जाए। अच्छा भाई, बातें बहुत सारी हो गई, लेकिन आज का प्रोग्राम बहुत स्पेशल होने वाला है। हमने ये सोचा कि वीकेंड शो, न्यू ईयर स्पेशल हम बनाए प्रोग्राम इवनिंग और आप लोगों के साथ, और मौज मस्ती बहुत सारी होने वाली, मेहमानों की रेल फेल है और आपके फेवरेट सेलिब्रिटीज आज न्यू ईयर स्पेशल एटीवी वीकेंड शो सेलिब्रेट करने वाले, क्या आप लोग तैयार हैं? अच्छा पहले वो बच्चा भी रोक, यार क्या कर रहे हो तुम लोग, कितने जालिम हो, अम्मा को एंजॉय नहीं करने दे रहे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? महक बुखारी। महक, आप कैसे न्यू ईयर सेलिब्रेट करने वाली हो? घर में तो बहुत सारी तैयारियां चल रही है, बैलून्स वगैरह सब कुछ, केक वगैरह रेडी है, बस आफ्टर 12 बस सब कुछ हो जाएगा, 12 बजे के बाद सारी तैयारी। मियां ने कोई गिफ्ट शिफ्ट देना है कि नहीं? आप खाली आती, क्या पता मे भी सरप्राइज देना हो, क्या पता, दुआ कर लो ऑडियंस मियां इनको गिफ्ट दे दे, वैसे मुझे पूरा यकीन है कुछ नहीं देना, मैं पहले बता रही हूं। अच्छा भाई, केक की बात हो रही है तो यहाँ पे हमने ये सोचा कि खुशियों की जब बात आती है, खुशियों को सेलिब्रेट करने के लिए मीठा होना बहुत जरूरी है, और मीठे की बात आती है तो केक तो बनता ही बनता है बॉस। तो आज हमने सोचा कि वीकेंड शो पे हम आपकी मुलाकात शेफ ज़ायमा से कराएंगे, स्वीट ऑप्शंस, बल्कि जी स्वीट ऑप्शन ये ओन करती है बेकरी, और आज आपको लाइव केक बनाना सिखाएंगी। अच्छा ऊपर भी जल्दी से ऑडियंस को माइक दें, इनसे हम जानेंगे, ये इनको दें, मेरे भाई को। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे न्यू ईयर आपने सेलिब्रेट करनी है, कोई प्लान किया है? हां बिल्कुल प्लान किया है, अभी फ्रेंड्स के साथ। क्या पार्टी वगैरह करेंगे, घूमेंगे, पार्टी में मतलब तो डांस भी होता है, भंगड़ा भी होता है, पार्टी भी होगी, बारबेक्यू वगैरह भी होगा, बहुत कुछ होगा, डांस पार्टी होगी, मैं ख्याल में मैं बाहर चली जाती हूँ क्योंकि डांस पार्टी इधर नहीं होगी, जहाँ हमने प्लान किया वहीं पे होगी। नहीं वो तो वहीं पे होगी, तो फिर तो पता भी बता दें ताकि अम्मा भी आपकी पहुंच जाए। नहीं नहीं अम्मा को बता दिया फिर तो सारा प्लान चौपड़ हो जाएगा, ये लाइव चला गया, जो होना था वो हो चुका है, अम्मा को पता चल चुका है। अच्छा भाई, आप लोगों ने तो जो 12 बजे से सेलिब्रेशंस का आगाज करना है, हमने 5 बजे से आगाज कर दिया है। मेरी जो पहली मेहमान है, अगर मैं उनका तारुफ कराना शुरू करूं, शी नीड्स नो इंट्रोडक्शन, इसलिए क्योंकि इनके टैलेंट की, इनके फन की, इनकी एक्टिंग की, इनकी आवाज की बात करें, मेलेडी क्वीन ऑफ पाकिस्तान, मेलेडी क्वीन अगर मैं कहूं इनको, पूरी दुनिया के अंदर इन्होंने अपने फन के जरिए, अपनी फन के जादू के जरिए लोगों के दिलों में घर के, इनकी परफॉर्मेंस धमाकेदार होती है, ये मेरी इतनी फेवरेट है, शी इज नॉट वन ऑफ माय फेवरेट्स बट माय मोस्ट फेवरेट सिंगर्स, क्योंकि इनको जब मैं देखती हूँ, जब जब मैंने इनकी अनाउंसमेंट अक्सर बड़े बड़े शोज के अंदर लिंकिंग्स में की है, तो इनके बगैर शोज हमेशा अधूरे होते हैं, और ये जब आती हैं तो फिर वो जो सामने आप लोग बैठे हुए ना इस तरह, फिर आप इस तरह बैठ नहीं सकेंगे, आप झूमेंगे भी और घूमेंगे भी और घुमाएंगे भी, और बच्चा रोना पहले ही शुरू हो गया, आप ले जाएं बच्चे को थोड़ा सा जरा टहल चहलकदमी करा दे, शाबाश, बहुत घरेलू माहौल है हमारा, माशाल्लाह, और तो नहीं किसी को कुछ जरूरत पानी बूंदी की। अच्छा भाई, तो जो मेरी पहली सेलिब्रिटी है, अगेन
खास तौर पे मैंने सोचा कि यार न्यू ईयर वीकेंड शो स्पेशल हो तो इनके बगैर अधूरा होगा। बहुत सी तालियों में, बहुत सी अपनाइयत के साथ, प्लीज पुट योर हैंड्स टुगेदर फॉर द वन एंड ओनली शायरा मिने।
कहर विच भरिया हुस्न कटारी जवानी आई किड़िया ने गुलजारा कई गल्ला सूहे रंग बनाए गल्ला सूहे रंग बना टैगन बहारा कई पींद माही दी टूटन लाइया मस्त कलर मुटियारा कई पींद माही दी टूटन लाइया मस्त कलर मुटियारा कोई बारो बारी पींद जुटेवन कर कर नाग हजारा कोई बारो बारी पींद जुटेवन कर कर नाग हजारा जदों आई कतड़ी दी वारी होए ते टुट गई तड़क करके लाई बे कदरा नाल यारी ते टुट गई तड़क करके ओ बल्ले बल्ले वे टुट गई तड़क करके लाई बे कदरा नाल यारी होए टुट गई तड़क करके ओ बल्ले बल्ले वे टुट गई तड़क करके जदों से यो मस्त जवानी होश आवण लगी वो जाके बाग माही कर आया जगन मनावण लगी जाके बाग माही कर आया जगन मनावण लगी भर के पैक दिता दिल भर नू खुशी मनावण लगी भर के पैक दिता दिल भर नू खुशी मनावण लगी फुल्ला नाल लगी जद प्याली होए ते टूट गई तड़क करके लाई बे कदरा नल यारी ते टुट गई तड़क कर ओ बल्ले बल्ले वे टुट गई तड़क कर ओ लाई बे कदरा नल यारी ते टुट गई तड़क कर ओ बल्ले बल्ले वे टुट गई तड़क कर के ब्यूटीफुल अमेजिंग आ कहां जा रहे हैं किधर टहल रहे हैं आप इधर आ रहे गोल गोल तो नहीं घूमना भाई नियाजी ब्रदर्स के लिए जावेद भाई बाबर भाई के लिए बहुत सारी तालियां एक सेकंड इधर खड़े हुए जरा इब आप में से बड़ा कौन है छोटा कौन है मुझे आज तक प्रॉमिस मुझे आज तक नहीं शायदा जी समझ आई कि बड़ा उम्र में कौन है या छोटा कौन है आप है चूंकि बाल कम है इसलिए कह रहे हैं ये कोई खास वजह हुई वजह ये हुई हमारी फैमिली में बिल्कुल बाल घने रहते हैं अच्छा मेरे कजन है अजवल हाँ। उसको मैंने इतना तंग करता था उसके बाल देखे हाँ। मैंने कहा यार शादी लो मैंने कहा शादी कर लो कहीं सेहरा तुम्हारा कीलों के साथ ना लगाना हाँ। हाँ। तो अल्लाह मेरे मुझे
अजवल आपकी वजह से, अजवल भाई क्या जरूरत थी, मतलब अच्छे खासे बाल रहते तो मतलब कोई मसला नहीं होता, बस अभी भी हैं ऐसे सर पे बाल है, चांस है, अभी आए आए आगे आगे। अच्छा भाई शाहिदा जी, मुझे आप बहुत बुरी सीट पे लग रही हैं, मैं चाहती हूँ कि आप ये बीच वाली मेरी सीट पे, ऑडियंस इनको इधर बैठना चाहिए कि नहीं, ऐसे नहीं होता क्योंकि यू आप आए, नहीं अभी के बिल्कुल अभी तो आए ना आप ऑडियंस के दिलों में आ जाए ना, क्या लाइव शो चल रहा है, चलिए आ जाए आ जाए आ जाए, ये हुई ना बात। अच्छा क्या वजह है, बैठे क्या वजह है कि मतलब मैंने जिंदगी में इतनी नहीं प्यार और अपनाइयत देखा जितना लोग आपसे करते हैं, मतलब क्या वजह है, आपको क्या लगता है कि आप में क्या ऐसा खास है जो बाकियों में नहीं है, कि जो वो प्यार मिलता है वो आपको क्यों मिलता है? इसलिए कि मैं दिल से मिलती हूँ, मुनाफ़त नहीं है मुझ में, अगर बुरा लगे तो वो भी मेरा पता चल जाता है, अच्छा लगे तो उसका भी पता चल जाता है, छुपाती नहीं हूँ, जैसे पंजाबी कहते मिसने उनका पता ही नहीं चलता, मैं बस खुली किताब हूँ, खुली किताब, लेकिन दिल से मिलती हूँ, दिल से मिलती है। और अगर जो ना बुरा लगे तो उसको किस तरीके से इजहार करती है कि मुझे नहीं तुम अच्छे लग रहे, अच्छे इजहार कर देती हूँ, कैसे? छुपाती नहीं हूँ मैं, अच्छे तरीके से, मतलब अगर कोई मुझे सलाम करे तो मैं इसका जवाब जरूर देती हूँ, ठीक है मानू, लेकिन जो मुझे अच्छा ना लगे, हमेशा मुझे बुरा वही लगता है जो जिसमें मुनाफ़त होती है, जो डबल पर्सनैलिटी का घुन्ने होते हैं, जो घुन्ने होते हैं, मुझे वो घुन्ने, मुझे वो लोग नहीं पसंद, बिल्कुल बुरे लगते हैं, और हर खानदान में ऐसे होते जरूर है, मुझे नहीं लगता। अच्छा बताएं न्यू ईयर के क्या प्लान्स हैं, मतलब ये जरूरी है जानना, कोई पार्टी है घर में दावत? पार्टीज वगैरह में तो मैं नहीं जाती, हमारी इब्तदा होती है, हम दादा साहब जाते हैं सलाम करने के लिए, मैं मेरे हस्बैंड और फैमिली, लेकिन पार्टी में मैं कभी ऐसा नहीं हुआ कि मैं उस टाइम पर पार्टी पर जाऊं, हाँ दीन और दुनिया में रहना चाहिए, बैलेंस लाइफ रखनी चाहिए, दोस्तों के साथ ही हम आते जाते हैं मिलते हैं, लेकिन चूंकि अगर देखा जाए तो हमारा नया साल मुहर्रम से स्टार्ट होता है इस्लामी अगर हिसाब से देखा जाए, लेकिन मैं फिर वही बात करूंगी कि लाइफ को बैलेंस रखना चाहिए, दीन और दुनिया में रहना चाहिए, बिल्कुल अगर आप आउट हो जाएंगे तो फिर आप दुनिया से ही दूर चले जाएंगे, बिल्कुल बिल्कुल, और हमारा जो मजहब है इस्लाम इतना तंग नजर नहीं है बिल्कुल जितना इसको समझा जाता है, आप देखें कि माशाल्लाह से इस वक्त चाहे हजाब में भी लड़कियां हों, आप देखें कितनी खूबसूरत लग रही होती हैं, और फैशन भी कर रही होती है, जो खूबसूरती है वो किसी और चीज में, किसी और। अच्छा मेरी बात सुनो, मैंने ये चने आपके लिए मंगवाए थे, मैंने कहा जरा सर्दी का मौसम है तो ड्राई फ्रूट्स अच्छे लगते हैं, ये लोहे के तो नहीं है? आपको इसका मतलब लोहे के खिलवाए हैं किसी ने, खाए ना? हाँ हम लोग लोहे के चने, ये स्पेशल चने, स्पेशल है ना, बड़े मजे के, कसम तो नहीं, सामने पठान बैठता ठेला लगा के, कसम से मंगवाए, इससे पहले ड्राई क्लीन करवाए, मैं सीरियस कह रही हूँ, बड़े मजे के हैं, खाऊंगी खाऊंगी। अच्छा मुझे पता है, पता चले पहले चने खाकर तो पेट में दर्द हो जाए, प्रोग्राम करना है अभी, कुछ थोड़ा सा लाइट सा जूस वूस पियेंगे। अच्छा क्या जूस चाहिए? जूस में पीकर आई हूँ, क्या अभी बस कॉफी चाहिए, कॉफी चाहिए, आपको क्या चाहिए मुझे बताएं? मैं सादा पानी मुझे मिल जाए, सादा, आप बताएं कोई फरमाइश हो आपकी, मैं सब चीजों की कदर करता हूँ, तो बस आपको कुछ नहीं, नेक दुआएं मिल सकती हैं, मैं तसल्ली पर चने, तसल्ली में नहीं, ये लोहे के चने इनको दीजिए प्लीज, सूखी तसल्लियां हम आपको दीजिए, सब अल्लाह ताला की नेमतें हैं, इनकी कदर करना चाहिए, उसका शुक्र करना चाहिए। सारे इंतजाम लेकिन, अच्छा मेरी बात सुनिए, मुझे बताएं आप लोग, अक्सर लोगों को ये गलत तासुर है, ये क्या है कि आप लोग सीरियस रहते हैं, मतलब नहीं, क्या क्या वजह है? मैं तो इतना आप देखते हैं, इतना एक्ट करता हूँ चैनल्स के ऊपर, बहुत मेरी इब्तदा जो है मैंने एक्ट से की थी, और कॉमेडी से की थी, और स्टाइल मैंने इतना किया, फारूक कैसल के जितने भी स्क्रिप्ट हैं मैंने बहुत किया, और लेकिन मैं लोगों को क्यों लगता है, आप लोगों का क्यों गलत तासुर आता है, ये मैं आज, ये बहुत अच्छी बात है कि आप अगर काम भसाने का एक चैनल पे करते हैं, देखिए अल्लाह का इतना शुक्र है कि मैं एक्ट भी करता हूँ, प्लेस में भी काम करता हूँ, और लोग जब मैं गाने के लिए आता हूँ तो लोग मुझे बिल्कुल उसका जिक्र नहीं करते। अच्छा आपने फारूक साहब के साथ, बहुत बड़ी बात, आपने फारूक साहब के साथ, बाकी मैं अनडाउटेडली फारूक साहब के साथ आपने बहुत सा काम भी किया कॉमेडी के अंदर, कौन सा ऐसा काम जो एक आपका यादगार? बेतहाशा बहुत सारे अपने अपने वक्त में बहुत कुछ किया, जो उसमें कैरेक्टर्स मैंने, पपेट्स मैंने बड़े किए, और जो बड़े ही पपेट्स के नाम हुए, बड़े ही जितने थे सब बड़े बड़े नाम उनके, और बच्चों में खासे बड़ों में मूछ वाले बच्चों में भी बहुत पॉपुलर थे, और छोटे बच्चों में भी। तो मेरी बात सुने आपने, मतलब आपके सर पे तो पूरे बाल हैं, उनके थोड़े से कम है तो उधार ही दे दें थोड़े से उनको। बालों में क्या होता है, कुछ भी नहीं, अल्लाह की मेहरबानी मेरे हैं, उनके नहीं, मेरे भी ना होते तो
इतने इतने बड़े स्टार जिनके हम फैन है, मेहंदी हसन साहब के बाल नहीं थे, हमें सबसे ज्यादा खुश हाँ, इसमें इसमें तो खैर कोई शक की बात नहीं। अच्छा वैसे लेकिन मुझे एक बात बताएं, कभी ऐसा हुआ कि ऑटोग्राफ लेने आए हो, आपके पास ज्यादा आ गए हो, आपके पास कम आए हो, या आपके पास ज्यादा हो गया? आपके पास ज्यादा है तब भी मुझे खुशी होती है, मेरे पास ज्यादा है वो इसको भी खुशी होती है। ये कैसे हो सकता है, ये इस तरह नहीं होता। आप सुंदर से देखिए, आप देखें कि माशाल्लाह ये बड़े जहीन है और इन्हें सियासत में आना चाहिए। सियासी कैसे जवाब शायदा जी, प्लीज आप बताएं कैसे जवाब, वो बाद में पता चलता होगा शक्ल वैसे जब दिखाते होंगे ना, फिर ये हो नहीं सकता। अल्हम्दुलिल्लाह के अच्छा आप हमारा गाना भी सुनते हैं तो हम दो भाई बड़ा मुश्किल हो जाता है। गाना एक ऐसी चीज है, शायदा बताएंगी इसमें बिल्कुल, कि गाने में कोई एक दूसरे का बाप बेटा भी लिहाज नहीं करते जब गाते हैं। तो गाना एक ऐसी चीज है, मतलब गा रहे होते हैं तो अच्छी, उन्होंने अच्छी कह दी तो मेरा दिल चार दूसरे का दिल चाहता है कि ना गाने में लिहाज करते ना कुर्सी में लिहाज करते। आप ही दिल की बड़ी अच्छी है, वो भी दिल की बड़ी अच्छी। लेकिन अच्छा मैं ब्रेक लेनी है बहुत, लेकिन ये नहीं, लेकिन हम दोनों भाई इतना इत्तफाक से मैं इसको सुनता हूँ जब ये गाते हैं ना, ये गा रहे होते तो मैं इसको देखता हूँ। अच्छा, मुझे वो ज्यादा है, मुझे वो जब मैं कहता हूँ ये देख, हम जंबल नहीं करते, लड़ते नहीं। अच्छा मुझे वो दिल के ज्यादा लग रहे हैं शरीफ, और मैं बदमाश, मुझे पता है एयरपोर्ट पे रोक लेते हैं, हालांकि मैं इतना अच्छा, हालांकि ऐसा नहीं है, मैं इतना वाकई आज तक ऐसा नहीं, मुझे हमेशा इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे बाहर ऑस्ट्रेलिया कहीं यूरोप में चले जाऊं, अमेरिका रोक लेते हैं मुझे ऑस्ट्रेलिया, हैव अ गुड जर्नी मिस्टर नियाज़। क्लोज अप ले इनकी शक्ल का है, मैं अब ये जरूर माफी के साथ एम इसने कोई ऐसी बात करे उन्होंने तो मुझे ब्रेक ले लो, खुदा का वास्ता में डर लग रहा है यार, ये जैसे होता है। कितने लोगों को शाहिदा जी इस वक्त हसीन तरीन लग रही है, तालियों से पता चलेगा। कितने लोगों को लगता है कि जावेद भाई बहुत भोले हैं, तालियों से पता चलेगा ना भोले। कितने लोगों को लगता है बाबर भाई पक्के हैं पूरे अंदर से। बाबर भाई आपका ऑडियंस मतलब समझ गई है कि ऊ हैं आप, समझ आ रही है आपको ये ऊ क्यों है आप? ये ऊ वाला जवाब भी हम आपसे लेंगे। हमारे साथ दूसरी ऊ है, हमारे साथ मौजूद ज़ैमा, हमारे साथ मौजूद है। अच्छा भाई ज़ैमा को वेलकम करते हैं, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम ज़ैमा, आज न्यू ईयर नाइट भी है और खुशियों का दिन है। शायदा जी मैं चाह रही थी आप आ ही जाएं इधर प्लीज जरा, आपके पास हाँ आ जाएं, आ जाएं, आ जाएं। कुछ खाने वाने का प्रोग्राम, हाँ मीठा है भाई, क्लास हो जाए इधर उधर, हाँ इधर साथ इधर इधर आपका बल्कि इधर बीच। अच्छा ज़ैमा क्या बनाना सिखा रही हूँ ऑडियंस को? आज मैं आपको चॉकलेट फज केक बताऊंगी, ठीक है? उसके लिए हमारे पास है दो अंडे और किस चीनी के अंडे हैं? बिल्कुल मुर्गी के, शुतुरमुर्ग के नहीं है क्योंकि उसके लिए हमें अच्छा, आधा काफी होगा। अच्छा अच्छा, अच्छा अंडे हैं, चीनी है, मैदा है, इसके अंदर बेकिंग पाउडर और सोडा वो, और इसमें हम कोको पाउडर ऐड करेंगे और इसका फ्लेवर इन्हांस करने के लिए हम इसके अंदर थोड़ी सी कॉफी ऐड करेंगे, ठीक है? उसके बाद हम क्या करेंगे, अंडों को और चीनी को अच्छी तरह से बीट करेंगे जब तक क्रीमी हो जाएगा। उसके बाद हमने इसके अंदर ऑयल, मेरे पास है ये, हमने इसमें ऑयल ऐड कर देना, इसको और बीट करेंगे, ठीक है? उसके बाद फिर हमारे जो ड्राई इंग्रेडिएंट्स हैं हम उसको अच्छी तरह से छान के उसको हम इसके अंदर मिक्स कर देंगे, ठीक है? उसके बाद हमने एंड पे आधा कप पानी लेके उसको हल्का सा गर्म कर देना, ठीक है? फिर हमने अपने बैटर में उसको डाल के मिक्स करके स्पैचुला के साथ इसको 180 डिग्री पे 45 मिनट के लिए बेक करना है, ठीक है? यानी 180 डिग्री सेंटीग्रेड पे 45 मिनट के लिए अवन में आपने रख देना है, बिल्कुल ठीक। अच्छा ये मैं आपको इसलिए बता रही हूँ क्योंकि हम डेमोन्स्ट्रेट करके नहीं दिखा पा रहे, एक तो टाइम कम है और अवन और सारा कुछ, फिर हमने कहा कि हम आपको फाइनल शेप दिखा देंगे। ये इस तरह का केक बनेगा जी, बिल्कुल ये, लेकिन ये इस पर डेकोरेशन भी करनी होगी वैसे? हाँ जी, ये भी मैंने कुछ की है और कुछ बाकी है इस पे करनी। अच्छा ये कैसे आइसिंग शायदा जी, ये छुरी आपको वैसे कैसी लग रही है? लग तो बहुत अच्छी रही लेकिन मैं इस्तेमाल नहीं कर सकती, लेकिन कुछ लोगों की जबान भी छुरी जैसी होती है, आप उनका क्या दिल करता है, उनको क्या किया जाए? उनको माफ कर दिया जाए, उनको उनके हाल पे छोड़ दिया जाए,
और नहीं 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 जान नहीं, 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 हम लोग दहशत गर्द थोड़ी हैं, अल्लाह माफ करे, हम लोग बड़े अमन पसंद हैं, हम ना किसी को मारते हैं ना कोई तकलीफ देते हैं। आप अच्छी क्यों हैं इतनी, क्या क्या जरूरत है आपको इतना अच्छा होने की, क्यों? मैं सोचूंगी, नहीं क्यों, मैं अल्लाह की तरफ से हूँ, मैं क्या करूँ, क्या जरूरत है इतना अच्छा होने की, मेरी जान में तो मेरे ब्लड में शामिल है, मेरी फैमिली ऐसी है, मेरी मामा, मेरा फादर, और इन्होंने अपने बच्चों की तरबियत इतनी अमेजिंग की है। मैं आपको एक बात बताऊँ, अगर आप उनके बच्चों से मिले, इतनी अमेजिंग माशाल्लाह तरबियत है कि पता चलता है कि यार काम और किस तरीके से पर्सनल लाइफ को मैनेज किया। वाकई में आपको एक तमगा इस बारे में भी मिलना चाहिए, सीरियसली। अच्छा जी, आइसिंग का बताएं जल्दी। अच्छा, ये मेरे पास व्हाइट चॉकलेट गिनाश है और ये डार्क चॉकलेट गिनाश है। ये कैसे बनाते हैं? व्हाइट चॉकलेट गिनाश के लिए हमें व्हाइट चॉकलेट चाहिए 300 ग्राम और 200 ml इसमें क्रीम डलेगी, ठीक है। उसको हमने डबल बॉयलर पे रख के मेल्ट करना है, ठीक है। और उसके अंदर हमने 1 टेबलस्पून बटर डाल देना है, ठीक है। उसके बाद ये मेल्ट होने के बाद ये इसको आप जब ठंडा करोगे तो ये बिल्कुल इसकी ये इस तरह से आ जाएगी, ठीक है। अच्छा भैया, मैं आपको बता दूं, क्योंकि ये न्यू ईयर स्पेशल एपिसोड है तो हम इसलिए आपको केक और मीठा बनाना ये सिखा रहे हैं। केक क्योंकि हर त्यौहार, हर खुशी के मौके पे इस्तेमाल होता है, चाहे शादी हो, सालगिरह हो, न्यू ईयर हो, ईद हो, केक के बगैर जो है मीठे का नाम अधूरा होता है, तो इसलिए हम आपको केक बनाना सिखा रहे हैं। अच्छा, ये आइसिंग आपने ऊपर कर दी? बिल्कुल, ये मैंने आइसिंग कर दी है व्हाइट चॉकलेट की और ये डार्क चॉकलेट गिनाश के अंदर मैंने इसके अंदर फिलिंग की, ठीक है। शायदा जी, बहुत अमेजिंग नहीं केक लग रहा है? इधर से आ जाए, देख रहे हैं ना, ये मैं इधर आऊंगी, अमेजिंग। अच्छा, डेकोरेशन कैसे? जैसे कैप है आपने है ना। शायद जी, आपने केक बनाना वैसे कभी सीखा या दिल किया बनाने को कि नहीं? मैं ना पक्की पकाई ताजा खाती हूँ। अच्छा, मुझे पकाना अच्छा नहीं लगता, मुझे खाना अच्छा लगता तो वैसे कुछ भी पकाती नहीं है। पका लेती हूँ मैं, लेकिन एक तो मेरे पास वक्त नहीं होता, दूसरा मुझे ये सारा, या तो मुझे ना हर एक चीज ना काट के दी जाए, वो हाथों में से स्मेल नहीं आनी चाहिए। अच्छा, मैं हाथ बहुत ज्यादा धोती हूँ और हाथ आपके इतने, ये देखें, अभी मैं नेल कलर नहीं लगा के बहुत जल्दी में आई, बहुत प्यारे। आपको पता है कि मैं इस टाइम पर उठती हूँ, मैं अब मैं आपके प्रोग्राम में बहुत जल्दी आई हूँ। इस टाइम पे उठती हैं क्यों? बस मुझे अच्छा लगता है, मैंने दफ्तर थोड़ी जाना होता है। वाकई में? हाँ हाँ। और पीछे से सारा मेरी जान, देखिए मैं जिंदगी में बहुत जागी हूँ और अब भी मैं जागती हूँ, सोती मैं उसी टाइम पर हूँ। दिन रात मैंने फिल्में की, चार चार पांच पांच शूटिंग्स करती थी और हम लोग बहुत जागते थे, लेकिन मैंने दफ्तर तो जाना नहीं, शूटिंग पर मैंने जाना नहीं, तो मैं आराम क्यों ना करूं? वाकई में इसमें कोई। अच्छा मुझे ये बताएं, इनमें से कौन सी रेंज है जो आपके हस्बैंड ने लेटेस्ट आपको दी है, ये मुझे बताएं। पुरानी है सब, सब पुरानी है, सब पुरानी। और ये खुद खरीदी है, हस्बैंड ने गिफ्ट्स दी है आपको? यार एडा सीक्रेट चीजा नू डिस्कस नहीं करते। देखिए बात ये कि मेरे हस्बैंड मुझे लेके दे, मैं खुद लूं, एक ही बात है, जब शादी हो जाए तो फिर यार ये फिर कार्ड तो मियां का इस्तेमाल होना है ना, कार्ड तो मियां का ही होना है इस्तेमाल। बात अच्छी है। अच्छा जी, ये डेकोरेशन कैसे करेंगे? शायदा जी थोड़ी सी हेल्प कराएंगे, ये डेकोरेशन फूल तो लगाने में किस तरह होंगे ये बताएं। ये फ्लावर्स लेकर के हम इसके ऊपर क्लिंग रैप। जावेद भाई आप भी आ जाए, बाबा भाई प्लीज, डेकोरेशन थोड़ी सी सुगढ़ पुना आप में भी है, देखें कितने सुगढ़ हैं आप। मैं बहुत सुगढ़ हूं जी, अरे कमाल कर दिया, आप ऑल इन वन नहीं है, ये तो पता चला, आ जाए इधर है, इधर है। और इसके बाद ये सारा अपने खाना भी, खाना भी खाने वाला। अच्छा, मैं खाना इतना अच्छा बनाता हूँ लेकिन खाता नहीं हूँ, मैं खाता बहुत थोड़ा हूँ, ये लगते बहुत कम है, लेकिन लगता तो नहीं है, लगाना किसको? वो देखे शरीफ आदमी, वो देखे, मैं कहती हूँ थोड़ा ही बड़ा लगता है, वो शरीफ आदमी को देखे कोने में खड़ा हुआ है, वो मैं कोने में, मतलब मैं इसलिए यहाँ खड़ा हूँ कि कहीं गलत फूल लगाए तो मैं मना कर दूँ। शायदा जी बिल्कुल सही नहीं है, शरीफ है बेचारे, ये बड़े शरीफ है, निहायत शरीफ आदमी का तमगा, इतने शरीफ है कि पता ही नहीं चल रहा है, और ये इतने इतने बदमाश हैं कि ये बेचारे वैसे सुने, इनसे इनको कहें कि ये इतने ऊ है, वेरी नाइस, इतना खूबसूरत डेकोरेट की। अच्छा, आप इसी से अंदाजा लगा लें कि इन्होंने कितने फूल लगाए। मैंने फूल तोड़ तोड़ के, क्यों फूल लगा रहे हैं, दोबारा जगाने लगे हो? अच्छा भाभी देख रही है। अच्छा भाई, मेरे ख्याल में सिपले और गुजरात वासी होते, मैंने मैंने ऑडियंस मेरी प्रेडिक्शन मानते हो कि नहीं? अभी तो सामिया करेंगी प्रेडिक्शन आके कि ये शरीफ आदमी है, कितने शरीफ, इनकी बोली शकल पे फोकस किया जाए। अच्छा जी, केक हम एंड पे काटेंगे, हमारे तमाम जो गेस्ट हैं वो इसको काटेंगे और आप लोगों को हम खिलाएंगे भी, लेकिन मेरे ख्याल में एक धमाकेदार गाना हो जाए शायदा जी की आवाज में, तो मेरे ख्याल में जल्दी से मैं माइक लूंगी। सुंदर, मैं जो गाना सुनाने जा रही हूँ ना इस वक्त, ये नए साल के लिए दो गाने मैं नए लेकर आई हूँ, ठीक है, लेकिन ये मैं पहले परफॉर्म कर चुकी हूँ, ठीक है, इस गाने को, ठीक है, लेकिन मेरा जी चाह रहा था कि आपके प्रोग्राम में फिर से मैं ये तोहफा दूँ नए साल का, आपको, देखने वालों को और हमारे इस चैनल को, और आपको अच्छा लगेगा। 2000 थोड़ा सा स्लो है, सॉफ्ट रोमांटिक सॉन्ग है,
तो रोमांटिक तो सभी होते हैं। ये किन लोगों के लिए है, कौन लोग ज्यादा दिलचस्पी से सुन पाएंगे ये बताएं। सब सब जो रोमांटिक होते हैं, हर बंदे के अंदर रोमांस है। हाँ, हर किसी के रोमांस से निकालना पड़ता है। ठीक है, है ना, ठीक है। कोई बहुत ही क्या कहते हैं कि कूड़ होते हैं। हाँ, वो इजहार ही नहीं करते। हाँ, और बड़े कुछ ओपन होते, खुली किताब की तरह उनका पता चल जाता। अच्छा, जिनके मियां बहुत सड़े हुए रहते हैं हर वक्त, तो वो बीवियां किस तरीके से मियां जो हैं उनके हंसते रहें और जरा घर का माहौल अच्छा रहे, कोई टिप? अब देखें, वो ये है कि उन्हें ज्यादा शॉपिंग के लिए ना कहें, खर्चे का ना कहें, बड़े खुश रहेंगे। तो खर्चा भी ना हो, शॉपिंग भी ना हो, तो मूड अच्छा होना ही है मियाँ का, और क्यों नहीं अच्छा होना है। नहीं, मियाँ का तो मूड अच्छा रहेगा, लेकिन बीवी का मूड बीवी का नहीं रहेगा। बाकी लेकिन बीवी बेचारी बर्दाश्त कर लेती है, बर्दाश्त कर लेती है। बाकी आप कब जिंदगी में कितना कॉम्प्रोमाइज करती हैं? करती हैं, करती हैं। वाकई में? वाकई में सीरियस कॉम्प्रोमाइज करती हैं? करती हैं। और अच्छी बात है, अच्छी बात। किसी भी रिश्ते के अंदर कॉम्प्रोमाइज, आपको रिश्ते को निभाने के लिए इतनी अपने रिश्तों के ऊपर सख्ती नहीं करनी चाहिए। हाँ, बिल्कुल सही यार। मतलब कि क्या करना है, इतनी लालच क्या करनी है, जब आप अफोर्ड कर सकती, मैं अफोर्ड कर सकती हूँ, काम कर रहे हैं, तो एक एक दोनों अगर शोबिज़ में है या किसी भी अदारे में काम कर रहे हैं या कहीं भी काम कर रहे हैं, डॉक्टर या कोई भी, तो सब दोनों कमा ही रहे हैं ना, तो दोनों मिलकर भी घर का खर्चा चला सकते हैं। हाँ, तो उसमें कोई बुरी बात नहीं है। तो लेकिन ये कि मेरे हस्बैंड घर का पूरा खर्चा चलाते हैं। नहीं, आपके भैया बहुत अच्छे हैं। हाँ, और आपकी कदर करते हैं, इसमें कोई शक की बात नहीं, सारा करते हैं। और बाकी छोड़े, किस बात पे उनकी आदत पे गुस्सा आता है ये तो बता दें। ये नहीं हो सकता कि गुस्सा किसी बात पे ना, तो हर किसी को, हर किसी रोमांटिक है, इजहार नहीं करते, थोड़ा सा कूड़ है। क्या आप चाहते हैं गाना गा के इजहार करें? नहीं नहीं, मतलब गाने की भी बड़ी अच्छी समझ है, सुनते भी बहुत अच्छा है। हाँ, और मतलब अच्छा जहन है उनका। हाँ, हर एक चीज में बहुत अच्छे है, पता नहीं क्यों आंकड़े रहते हैं जी बिलो जा। लेकिन अगर देखा जाए तो बड़ा ही सॉफ्ट आदमी है ये, ये, ये। लेकिन वो शो करते हैं लोगों को। हाँ, है नहीं, है नहीं, है नहीं, है नहीं, अंदर से बहुत नरम है अंदर। हाँ, दिल उसका जो है ना बड़ा अच्छा दिल है। ये मैं इसकी गवाही दे सकता हूँ। हाँ, ये जो कुछ कह रही है बहुत ही मजेदार, बहुत ही अच्छे आदमी। हाँ, इजहार नहीं होना, नहीं रियली। हाँ, कान भी बड़े अच्छे हैं। हाँ, और सॉफ्ट बड़े। अच्छा, न्यू ईयर पे आपको क्या तोहफा दें तो आप बहुत ज्यादा खुश होंगे? अब ये ना कहना कि मुझे ढेर सारा। देखिए यार, मैं तो जो हूँ ना बड़ी क्रेजी हूँ शॉपिंग में। ठीक है, मतलब मुझे आप, मैं नींद मेरी पूरी ना हो, खाना मैं ना खाऊं, मुझे आप ले जाएं शॉपिंग के लिए तो मैं नहीं थकूंगी। और डायमंड्स होंगे, गोल्ड ज्यादा पसंद है या डायमंड पसंद है? देखिए डिपेंड करता है कि आपके आपका लिबास कैसा है। लेकिन जनरली मुझे, मैं मैचिंग के साथ में पहनती हूँ। ठीक है, मुझे मैचिंग के साथ अच्छा लगता है। जैसे डायमंड्स मुझे जिस तरह, ये आपके डायमंड्स देख लें भाई, क्लोजअप देख लें, ये हर कोई अफोर्ड नहीं कर सकेगा, मैं पहले ही बता रही हूँ। तो ये मुझे डायमंड ज्यादा अच्छे लगते हैं। मेरे ख्याल में ये उंगली खाली है इनकी, इधर मुझे आज एक रात को डायमंड रिंग होनी चाहिए हमारे भाई। बहुत है, मैंने 5 पहनी है। हाँ, और मैं हिसाब से पहनती हूं। अगर मैं मतलब कह रही हूँ, अगर वो मान ही लें तो क्या आपका चला जाएगा एक और आज डायमंड रिंग? मेरा ही नुकसान है ना यार। क्यों यार, वो मेरा ही पैसा है ना, वो मेरे बच्चों के काम आएगा, क्या हो गया? कह रहा बहुत अच्छी है, अच्छी गाना सुना दे बस, बहुत सी तालियों में गाना। प्यास
बुझती नहीं चैन मुझको न आए कहीं दर्द दिल की दास्तां सुन ले कभी हम की बरसात है हर तरफ आग ही आग है तेरी यादों का आसरा मुझ में कहीं सुनता क्यों नहीं आवाज सनम मेरी रुकने लगी है सांस सनम अब आ रे टूटे ख्वाब सजा रे बलमा सुन जा रे धड़कन धड़कन धड़कारे मजे का म्यूजिक वैसे शायदा जी क्या जान झरिया हाँ क्या कैसे नहीं वो ऐसे कुछ किया ना मैंने कहा क्या जान म्यूजिक लगाएं जरा जान झरिया देख मैं कह रही हूँ ये करें ना करें 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 ये बड़ी ज्यादती है थोड़ा सा वो ख्याल मुझे एकदम जहन से आया कि मैं ऐसे करके बैठा था तो मेरे जूते थे ऑडियंस की तरफ जा रहे थे इसलिए मैंने इनको नीचे एकदम झांझरिया की साथ झांझरिया ये बड़ा सिंक किया है झांझरिया मैं आपको कह रही असल में दिल झांझरिया के लिए ही कर रहा था तो ऐसे बहाना ढूंढा है देखे जो फनकार होता है ना उसको कुछ कहना नहीं पड़ता मैनेज नहीं करता हाँ। हो जाता है कुछ होता है कुछ हो भी जाए तो भाई कितने खामोश बैठे हैं खामोशी से काम दिखाते कैसे खामोशी से इतने भोलापन है इनकी आंखों में ज्यादा एंजॉय करता हूँ ये मैं कहती हूँ मैं कहाँ जाऊँ मैं जाऊँ किधर मैं अच्छा भाई मेरी एक और क्या ये अच्छा भाई मेरी एक और बहुत प्यारी सहेली वीकेंड शो का हिस्सा है वो आ चुकी है और वो भी ये कह रही थी कि अस्सलाम वालेकुम वालेकुम अस्सलाम सामिया आज 2016 का आखिरी दिन है इंशाल्लाह और नया साल इकट्ठे हम लोग आज इतने सारे मिलके गुड बाय कह रहे हैं 2016 को और रेजोल्यूशन के साथ अल्लाह मियां नई दुआओं के साथ 2017 को वेलकम कहते हैं मैं भी आ रही थी तो जब सूरज गुरूब हो रहा था तो मैंने कहा अल्लाह पाक नया चढ़ने वाला सूरज प्लीज खुशियों का लाइएगा कि बहुत मुल्क ने सख्तियां काटी हैं बहुत बेचारे ने तकलीफें देखी फिर भी मैं कहती हूँ हमारे मुल्क की अवाम के हौसले हैं कि उनके चेहरों पे कभी आप हंसने को तरसते हैं मौका ढूंढते हैं वरना देखिए कौमें मुर्दा हो जाती हैं हमारी कौम में अभी भी इतना स्पार्क है कि वो खुश रहने के जिंदा रहने के बहाने ढूंढती है और फिर आप जैसे लोग शायद मिनी जैसे चंचल गाने गाने वाले लोग वैसे ही रंग भर देते हैं मैं तो हर टाइप का गाना गाती हूँ जिसमें सॉफ्ट म्यूजिक होता है फास्ट होता है हर टाइप की चीज होती है मुझे आपकी चंचल बड़ी पसंद है वो जो आप जिस चंचल के साथ अदा के साथ उसको परफॉर्म करती हैं मैं आपको सॉफ्ट अच्छी नहीं लगता
अच्छा शाहिदा जी, वैसे एक मुझे बाद में सामने आया, सही कह रही, वो जो एक्सप्रेशंस हैं, वो कहाँ से आते हैं, वो कैसे, मतलब अंदर से निकलते हैं? हाँ पहले सब अंदर से देखो, कितना इसने भी अच्छा एक्सप्रेशन दिया, पूरा करके कैसे, मुझे नहीं आता। एक मेरा भी सवाल कि माशाल्लाह इतने एक्सप्रेशंस के साथ आप परफॉर्म करती हैं, अदाकारी की ऑफर ना हुई हो, ये हो नहीं सकता है शाहिदा जी, ऐसा नहीं है। और कैसे रेजिस्ट किया आपने? मुझे बहुत ऑफर हुई है, लास्ट मैंने बताया था कि 4-5 साल पहले मैं जब सोनी अवार्ड के लिए मैं गई थी परफॉर्मेंस के लिए, उससे पहले भी मैं काफी जाती रही हूँ, तो राजकुमार हैरानी और पूरी बॉलीवुड के सब स्टार्स थे वहां पर होते हैं, पाकिस्तान से मैं थी, तो उनको मैंने अवार्ड देना था उनकी बेस्ट फिल्म, बेस्ट प्रोड्यूसर, बेस्ट डायरेक्टर का, लगे रो मुन्ना भाई का। तो उन्होंने उस वक्त जब हम लोग प्रमोशन के लिए मुख्तलिफ चैनल्स पर जा रहे थे, तो उन्होंने मुझे उस वक्त भी ऑफर किया था अपनी नई फिल्म का, 3 Idiots उसके बाद उन्होंने बनाई थी, और मुझे उन्होंने गाने फुल एक पैकेज के साथ कि आप अदाकारी भी करें, आप गाएं भी। मैंने कहा जी मैंने 200 फीचर्स फिल्म में काम किया है, कि आप उन्हें कहें जिनके अंदर कोई हसरत रह गई हो, मैंने अपने पाकिस्तान में इतनी इज्जत कमाई है, मुझे मेरे मुल्क में पाकिस्तान अनडाउटेडली। और मैं आपको एक बात बताऊं, मैं अभी ब्रेक में कह रही थी वो बात नहीं इन्होंने सुननी होती ना, फरमाइश है, मैं लाइव बोल रही हूँ ना, वो मेरी शिकवा शिकायत है, इनकी फिल्मों के गाने, एक्टिंग तो है ही है और स्टाइलिंग भी, फिल्मों के गाने सुपर डुपर होते हैं सामिया, कि इनको भी वो गाने जो है अब करने चाहिए, रीमिक्स करने, रीमिक्स बहुत जरूरी करूंगी, बिल्कुल करूंगी, लेकिन वो एक्सप्रेशन की, वो कैसे एक्सप्रेशन, कैसे एक्सप्रेशन आपके अंदर होता है ये ना, सीखने से आपके आप सीख कर सकते हैं उसको, आपके अंदर से निकलता है, और मेरे एक मूड से, जब मैं जैसा गाना गाती हूँ, जैसा कैरेक्टर होता था मेरा, या अब मैं जैसा परफॉर्म करती हूँ, वो खुद ब खुद मेरा मूड बनता है। आप यकीन जाने मैं एक्सप्रेशन बहुत कम देती हूँ, अब जब मैं परफॉर्म यहाँ चैनल पे करती हूँ ना, मैं आप यकीन जाने कि 1 रुपया भी मैं एक्सप्रेशन नहीं देती, और जब मैं अगर खुल के एक्सप्रेशन दूँ तो फिर जरा मुश्किल हो जाएगी। देखिए जब आप वो फ्रेम बनता है, एक शॉट्स लेना पड़ता है आपका, तो उस हिसाब से लाइटिंग भी करानी पड़ती है, बहुत सारे एक्सप्रेशन वैसे ही खत्म हो जाता है, ये टेक्निकल बनाया सीख सकता है ये बात। अच्छा सामिया, हिसाब से लाइटिंग उतना आपको रहना है, आपको हिलना नहीं है, और आप मिड में है, क्लोज में है, लॉन्ग में है, टॉप में, जो भी उस हिसाब से आपको उतना ही एक्सप्रेशन देना है, और ये चीजें अब तो डेफिनेटली टेलीविजन और फिल्म का जरा लाउड एक्सप्रेशन है, और टेलीविजन का, और मैंने थिएटर में भी काम किया है, थिएटर में काम किया है, तीनों के एक्सप्रेशन अलग अलग है, रेडियो पाकिस्तान, टीवी, कमर्शियल, हर मीडियम में काम किया है, वो तो वो है ही। अच्छा भाई सामिया, जल्दी से फिर हमने गाने की तरफ शाहिदा जी के, पर आपने वो ये सिखाना है, ये कैसे होता है, ये कैसे होता है, मैं सीरियस हूँ, ये नहीं मिल, ये यार ये मैंने सीखने से मुझ में नहीं आया, कैसे आंख मत मारो, नहीं नहीं मुझे नहीं, नहीं 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 सामने आपका सच ना करो, नहीं ये ना करो, भाईजान बैठे हुए देख रहे हैं बात तो सुनो ना। अच्छा फिल्म में होता है क्लासिकल डांस, उसमें ये दोनों आईब्रोज को ऐसे करना था, मेरी दूसरी आईब्रो उठती ही नहीं थी, अच्छा मैं एक से ही काम चला लेती हूँ, ये तो उठती नहीं थी, ये यहाँ से उठती है, ये यहाँ से उठती है, मैं कि या अल्लाह, और इतना मुझे वो करती, मैंने कहा मेरे ये दोनों मेरी आईब्रोज नहीं उठती, कैसे उठी, क्या कैसे, ये तो करें यार ये तो वो ना छोड़े, ये तो मजाक नहीं, नहीं नहीं ये आप करें, ये भोले वाले करें, ये कॉमेडी हो गई, ये कॉमेडी नहीं, ये भोले वाले करें, ये राय होती ना, राय नहीं, आप करें, आप करें, क्या राय है आपकी, दूर से बैठ के आप करें, अच्छा इस तरह, अच्छा सुनो ये सेशन नहीं, मैं ऐसे करता देखो, अच्छा तो फिर वहां मिलेंगे, अच्छा जी चाइना जी का गाना तालियों में आ जाए, माइक इधर, ये माइक माइक जी जी ये ले जी। अच्छा सुंदर सी आपकी फरमाइश पर है जी, ये आपका फेवरेट है, मेरा फेवरेट, और इसकी कंपोजिशन मेरी है, लिखा भी इसको मैंने है, Good. तो आपकी सबकी खुदर पे पेश है।
भीगी भीगी रातों में, भीगी रातों में पिया तेरी बातों में, तेरी बातों में भीगी मुरली
नीए दर्द कले जेनू आवे कैनी ससू एस मुरली वाले नीए मुरली अगेन
a huge round of applause. बहुत सारी तालियां न्याजी ब्रदर्स के लिए. अच्छा मैं देख रही थी, आई लव द केमिस्ट्री. आप दोनों की जो आपस में केमिस्ट्री है, ये बड़ा कम देखने में आता है कि दो लोग अगर चाहे भाई हो दोस्त हो, उनकी आंखों में आंखें डाल के वो जो केमिस्ट्री है, ये बचपन से रही है या हमेशा या अभी डेवलप? मैंने शुरू में कहा था ना कि हम एक दूसरे का मजा लेते हैं. हाँ. वो मुकाबलाबाजी नहीं. हाँ, हाँ. अगर अच्छा, मैं एक बात यहाँ पे जरूर कहूंगी कि ये मैं बचपन से सुनती आ रही हूँ खान साहब तुफैल नियाज़ी साहब मेरे फेवरेट हैं, मैं हमेशा इनको सुनती हूँ और मुझे इन जैसा कोई आज तक नजर आया ही नहीं, मैंने सुना ही नहीं है क्योंकि खान साहब की औलाद है तो इनमें वो झलक है इसमें अनडाउटेडली. लेकिन तुफैल नियाज़ी साहब को गाना आम बंदे का काम है, वाकई में गा नहीं सकता. हमें सुंदर मतलब कुछ कहने वाली बातें थोड़ी होती है. हम दोनों भाइयों को प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस मिला तो टेलीविजन पे भी एक हफ्ते बाद को टेलीविजन की तकलीफ थी, अवार्ड सेरेमनी थी तो हमें अवार्ड अनाउंस हुआ तो मुझे कहने लगे जी आपको ये अवार्ड मिला और ये प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस कैसा. मैंने कहा जी हमें तो उस वक्त ही प्राइड मिल गया था जब हम तो फैल नियाज़ी साहब के घर पैदा हुए थे. सीरियसली ये तो ये सब ये प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस ये सब कुछ यहाँ के काम है. बिल्कुल सही, बहुत टैलेंटेड माशाल्लाह फैमिली, वो टैलेंट रन्स इन द फैमिली. अच्छा जी ब्रेक लेनी है नाइन. अच्छा ब्रेक एक लेनी पड़ रही है मुझे जल्दी से, ब्रेक के बाद वापस आएंगे. 2017 आने वाला हमारे मुल्क के लिए हमारे लिए कितना अच्छा साबित होगा इंशाल्लाह ताला, वो तो होगा ही होगा, लेकिन सामने आपको बेहतर एक जायजा देंगी ब्रेक के बाद. स्टे ट्यून्ड. मुकाबला सकते हैं सामने आने वाला साल पाकिस्तान के लिए. सिर्फ दो तीन लाइनों में कहूंगी कि सबसे पहले ये कि आप लोगों के लिए खुशखबरी कि अल्लाह ने चाहा एनर्जी क्राइसिस का खात्मा तो नहीं, यानी कि बिजली का खात्मा तो नहीं, लोड शेडिंग होगा लेकिन कमी जरूर होने जा रही है. मजेदार साल ये कि हर सियासतदान अपने आप को साबित करने के लिए, क्योंकि आ रहा है इलेक्शन का साल, तो ये दूसरी अच्छी खबर ये कि अवामी रिलीफ का साल है तो आप लोगों को फायदा पहुंचेगा इंशाल्लाह. तो 2017 एक और चीज हमारी, हमेशा मैं कहती हूँ कि इस मुल्क का पांचवा हाउस, हमने हमेशा अपना नाम मनवाया इन अपने फनकारों की वजह से, अपने क्रिकेट जैसे हो गई खेल हो गए उनकी वजह से, ये वाला साल इन दोनों चीजों का कमबैक हो रहा है. हमारे फनकार इंटरनेशनल पजीराई भी होगी और सबसे बड़ी बात जो क्रिकेट के शायकीन है, इंटरनेशनल क्रिकेट पाकिस्तान में बहाल होने जा रहा है. बाकी इज्जत बचे, बाकी खबरें हम अगले कल के और इनको हम मिस नहीं कर सकते. खुशखबरी की बात बता रही, मैंने समझा कि कोई खुशखबरी दे रही है. अच्छा मेरी बात सुने, इनका भोलापन खत्म, इनका भोलापन होगा आने वाले साल में कि नहीं, इनका भोलापन होगा. मतलब शक्ल से मासूम नजर आ रहे हैं तो मैं तंग कर रही हूँ. शक्ल पे क्या लिखा हुआ है मुझे, ये भोले हैं. मैंने कहा मेलोडी क्वीन हमारे साथ है और हम इनका धमाल सुने बगैर जाने नहीं देना चाहते. अरे तुम इतने खतरनाक क्यों हो, मुझे बताओ क्या भाईजान से लड़ाई है? ये किसके बगैर भी हो सकता है? मैंने ये कर दी, ये कैसे, ये करनी ऊपर, ये शेर उतर जाएगा. नहीं करें करें प्यारा बच्चा. अच्छा केक काट ले, केक कटिंग सेरेमनी. आओ आओ आओ, आप सामने आ भी हैं, सामने आ भी हैं. आए आए जी, आ जाए, आ जाए, आ जाए. अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा. एंडिंग नोट पे धमाल है शायदा जी का, लेकिन आप सबको एक मरतबा फिर हैप्पी न्यू ईयर. शायदा जी का धमाल जी, धमाल हो जाए, धमाल हो जाए. आप रह गए बहुत अच्छा बनाया आपने. हाँ,
सारे रंग हमारे।